रेडियो स्पाइस सुन रहे सारे श्रोतियां दा मुड़ स्वागत करते हैं जिथे पंजाब तो आते और प्रोग्राम की शुरुआत जी असी सदा पंजाब दे विच चंडीगढ़ च बेस्ड बड़ी अकॉम्पलिश टीम जी NRI सर्विसिज दी टीम है उन्होंने मेन प्रिंसिपल मनीषा महाजन सानू बड़ी इनफॉर्मेटिव इनफॉर्मेशन जी है हर वीक छड़ के जाते हैं। पिछले हफ्ते का बड़ा इंट्रस्टिंग टॉपिक सी ते जिथे उन्होंने खास करके टैक्सिस ते सेल ऑफ प्रॉपर्टी की गल की सी। नैचुरली जड़ा फाइनल प्रोसैस है लीगली इसनों कि अकॉम्पलिश किया जा सकता अचीव किया जा सकता तो इत्थे बैठिया न्यूजीलैंड जड़े NRI जड़े टीम ने लीगल हैल्प दी टीम जड़ी है वो किवें थोड़ा टास्क जड़ा उसनों अचीव करन दे विच मदद कर सकते हैं। बड़ी इंट्रस्टिंग उन्होंने इनफॉर्मेशन दी सी। साढ़े नाल मनीषा जी हो गए ने डिविजन ऑफ प्रॉपर्टी सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो सब तो पहले मनीषा जी ने रेडियो स्पाइस के उत्ते जी आया आखते मनीषा जी रेडियो स्पाइस के उत्ते जी आया वेलकम जी। नैचुरली तो मनीषा जी आई थिंक थोड़े भी वैदर जोड़ा काफ़ी मैनू पता लगा है ओवरऑल कभी पता नहीं लगता कि मानसून आ गया मैनू दस रहा है फिर केंद्र कि नहीं ये किसी होर ही पास्यों है तो हूँ आई थिंक स्टिल वेरी हॉट एट द मोमेंट जून का महीना वन ऑफ द हॉटैसट मंथस ऑफ द ईयर चल रहा होना सो काफ़ी थोड़े अंब तो नाल दे नाल शरबत चल दया होनी सारे दियाँ अंदर बैठ के लेकिन काफी इंडिया दे नाल प्रोग्रेस भी होनी शुरू हो गई है कि जिवें UK ने जिहड़ा जे तुसीं दो डोसेज लवाए ने ते तुसी तीन अपना नैगेटिव टैसट लैके आते हो तो इंडिया के नाल उन्होंने क्वारंटीन फ्री जिहड़ा ट्रैवल शुरू करता विच इज़ अ बिग स्टैप जी विच इज़ वेरी नाइस ट्रैवलिंग टू UK एंड एवरीथिंग ऑफ कोर्स offices in UK now with this opening up it is going to give a lot of relief to people who can easily travel so it's going to become easier for people like us to travel to UK and yes and people from UK can now travel to India as well even though I feel jede bahar baithe hain unhale India it's not very safe at this moment jab tak third wave nahi aake khatam hundi but yes जी इट इज़ इंट्रस्टिंग ना आज का जोड़ा टॉपिक है मनीषा जी बड़ा इंट्रस्टिंग टॉपिक है क्योंकि जी जमीन तो प्रॉपर्टी आप लैके रखिए एक तो अरबन लैंड जी वगदी जमीन की डिविजन है प्रॉपर्टी की NRIs की वो एक बड़ा इंट्रस्टिंग टॉपिक जड़ा रहिंदा है सदा क्योंकि इस मुल्क इत्थे बैठे इमेजिन करिए कि आपां जमीन का बंटवारा करना है इक्वली ब्रदर्स जड़े ने वो सोचते ने कि हुण आपां जमीन जड़ी है वो वंड लईए तो इस दे विच टाइम भी बड़ा नाजुक टाइम हुंदा क्योंकि आपां सारे जानते हैं कि एक तो शहर की प्रॉपर्टी या आपां कहिए कि मकान जड़े ने उन्हां दी शायद डिस्पोजल थोड़ी ईजीअर हुंदी होएगी तो लेकिन ये बड़ा स्ट्रैसफुल टाइम हुंदा जे जमीन जड़ी है तुसीं वेचनी नहीं लेकिन उसकी डिविजन करनी है सो अज इस टॉपिक की शुरुआत सब तो पहलों आपां एक नैचुरली इस सवाल तो पुछते हैं कि इसका मतलब की है जदों आपां गल करते हैं डिविजन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिया के लॉज के मुताबिक so division of property on kji is a very as the name suggests division is divide ji basically banni property now division of property there two ways hunde hai ek te tusi aapsi sehmati nal oral jehdi apni ki kehnde hai family agreement hunda hai us hisab nal divide kar lo just in case family nahi agree kardi because people feel ki all the family members let's say
ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਰਿਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਆਕਲੈਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ, ਇੱਕ ਯੂਐਸ ਹੈ, ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅਨਟਰੂ. ਬਿਕੋਜ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ 2 acres ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਚ 5 acres ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ, 10 acres ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਵਾਈਡਡ. ਬਟ ਵਟ ਆਈ ਟੈਲ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ, ਲਾਈਕ ਪੀਪਲ ਆਲਸੋ ਨਾਓ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਅਫਕੋਰਸ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਪੀਪਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਅਗਰੀਏਬਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਅਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ. ਨੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਯੂ ਮਸਟ ਗੈਟ ਫੈਮਿਲੀ. ਲੈਟਸ ਸੇ ਦੇਰ ਆਰ 4 brothers ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਪੁੱਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਐਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ. ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਦੀ, ਲੈਟ ਸੇ 4 people ਆਰ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, ਦੈਨ ਬੇਸਿਕ ਅਟੋਰਨੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਓ. ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਔਨ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਮੋਸਟਲੀ ਪੀਪਲ ਫੀਲ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਗਰ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਅਗੇਨ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫੋਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਲਵੇਜ਼. ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਟੀਮ ਆਫ ਲਾਇਰਸ, ਐਕਸਪਰਟਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਸੰਬਡੀ ਯੂ ਟਰਸਟ ਟੂ ਗੈਟ ਦਿਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡਨ. ਨਾਓ also like again why I'll come back to the main thing, jehdi division of property why is also important. Like covid the time che we've had a few people from US and UK who have had family agreements but division nahi hui bhi, right? So we've been able to successfully get that done because right now jehdi generation alive hai, let's say there are 4 brothers, unna che sanja ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਟ ਐਵਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀਅਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਕਸੀਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ 4 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੈ. ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਪਰਸਨ ਆਲਸੋ ਡਾਈਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ, 3 ਬੱਚੇ, ਵਾਈਫ ਹੈ, ਵਟ ਐਵਰ, ਸੋ ਨੰਬਰ ਕੀਪਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ. Then to get that division done, it is very difficult. Actually, difficult bhi nahi ho janda, it becomes very tedious because ek manda hai, dooja nahi manda. So if you are together today and tuhadi aapas ch sehmati hai ki hanji assi band karni hai, you know, kabze, because Punjabiyan ch ki hunda, you would know because you have land in Punjab, ki even if you have land, tuhade kol kabza apni zameen da hai. ਤੁਹਾਡੀ ਯੂ ਨੋ ਫੈਮਿਲੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਓਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਵੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਕਬਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਲੈਂਡ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਐਗਰੀਏਬਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬੰਡ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੁੱਟ ਇਟ ਔਨ ਪੇਪਰ. ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ. ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਲਾਈਵ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ 2 ਭਰਾ ਹੈ, 3 ਭਰਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀਅਰ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ ਡਨ ਐਟ ਦਿਸ ਸਟੇਜ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੇਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਦੈਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਜੀ ਜੀ ਜੀ. So again, like I said, it is very much important that if you are together today, division of property must be done. Bilkul. So division jadon, for example, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ
दो भरा ने या तीन भरा ने उन्होंने एक बाहर आ गया तो फिर दूसरा भरा कहता कि हुण तू बाहर है तो मैं इतने जमीन लुक आफ्टर कर रहा एंड दैन उन्होंने फैमिली डिसाइड कर दी कि भाई असी इनवैसमेंट हुण बाहर करनी है तो असी अपना लैंड जिहड़ा अपना वो हाफ करके तो नैचुरली असी पैसा जिहड़ा वो सेल करके लैना लेकिन जिहड़ा भरा इंडिया हुंदा वो बहुत बार तो असीं सुणदे आ वो इस च अग्री नहीं करदा वो आम तौर पर कहिंदा कि जमीन जिहड़ी है वो मैं जिहड़ी है बाहर आ ते मेरे तो बगैर तू जिहड़ा इस नूं नहीं वेच सकदा सो दैट्स नॉट द केस ये एक बड़ा सिंपल सवाल बहुत बार पूछा जाता साडे तो सो तुसीं थोड़ा इहदे उत्ते जिहड़ा जरूर इनफॉर्मेशन दे रहना ब्रदर चाचा ताया जो भी पिछे रहिंदा सी उन्हां नूं जमीन सांभ गए सी कि सानू तो कोई है नहीं जमीन की कोई वैल्यू नहीं है सो यू लुक आफ्टर द लैंड अच्छा इंडियन माइंडसेट अटैचमेंट हो जाती है लैंड नाल उन्हां नूं हुंदा है कि जे ये जमीन ते तुहाडी है ए असीं ते कुछ करना नहीं नाउ व्हेन द वैल्यू ऑफ द लैंड इंक्रीज्ड एंड एप्रीशिएटेड जेडे बाहर बैठे सी एवरीबॉडी स्टार्टेड हैविंग इंटरेस्ट बैक इन देयर लैंड जी राइट बिकॉज वैल्यू ऑफ द लैंड वॉज सो हाई एट द राइट नाउ ऑल्सो द वैल्यू ऑफ द लैंड इज सो हाई दैट पीपल थॉट कि जेडी उन्हां दी प्रॉपर्टी दी वैल्यू बाहर नहीं है दैट इज मच इंडियन प्रॉपर्टी इज मच मोर वैल्यूएबल सो नाउ पीपल स्टार्टेड फीलिंग कि यस वी हैव टू गेट द डिविजन्स डन और वी वॉन्ट आर लैंड बैक ऑफकोर्स जेड़ा जो द चाचा ताया ब्रदर जो भी उत्थे लुक आफ्टर कर रहे उन्हें तो छड़नी नहीं बिकॉज उन्होंने भी पता वैल्यू की है लैंड की एक अटैचमेंट है दूजी वैल्यू है लैंड की दो चीजा उदे कोल है सो ही फील्स कि मैं ते नहीं छड़नी नाउ पीपल हु आर सिटिंग आउट ऑफ कोर्स दे हैव रेमेडीज लाइक आई सेड डिविजन नहीं करदा कंसेंट जेड़ा ब्रदर इंडिया बैठा है यू कैन गो थ्रू द कोर्ट प्रोसीजर्स आर देयर पार्टीशन फाइल करो कोर्ट दे थ्रू इंजंक्शन ले लो डिक्लेरेशन देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस दैट यू कैन फॉलो टू गेट बैक योर लैंड ऑफ कोर्स दैट प्रोसेस जेड़ा तुसी कह रहे हो दैट टेक्स टाइम वो जल्दी नहीं खत्म हुंदा दैट टेक्स 2 इयर्स 3 इयर्स मे बी 4 इयर्स दैट इज द रीजन आई वाज सेइंग दैट व्हेन यू आर तुहाडी आपस च सहमति है ठीक है अज सब दी लैंड दी वैल्यू लेट से 15 लाख रुपए है सब सारे भरावां दी एंड तुसी सहमति च हो कि हां जी जी ए तुसी कब्जा ले लिया मैं ले लिया पुट इट ऑन अ पेपर रजिस्टर करा लो ते उदी गेट इट ऑन रिकॉर्ड जी नॉट लाइक कि तुसी अपने ब्रदर नूं उत्थे पिछे छड्ड जाओ कि हां जी तुसी लुक आफ्टर कर लो जदों असीं आवांगे देख लांगे हाने तो सानूं लोड नहीं है तू लुक आफ्टर कर ले हाला भी तुसी ले लो सब कुछ तुसी कर लो बट बाद नूं लाइक लेट्स से समबडी गोस थ्रू अ बिजनेस लॉस इन न्यूजीलैंड दे वांट मनी द ओनली थिंग दे लुक अप टू इज कि हां जी जी मेरी पंजाब च जमीन पई है मैनूं बेच के उत्थों मॉर्गेज करके मैं इत्थे पैसे लियांदा बट देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम बिकॉज ब्रदर नूं तुसी दे गए सी देन यू गो थ्रू द इंटायर प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन विच इज देयर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਐਨੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦ ਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਹਾਂ ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੈਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵਨ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਵਿਚ ਏਰੀਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਵਰੀ ਏਰੀਆ ਟੇਕਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਲਾਈਕ ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਆ ਟੇਕਸ ਲੈਸਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਟ ਟੇਕਸ ਲੌਂਗਰ ਟਾਈਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਮਿਨੀਮਮ ਅਬਾਊਟ 2 ਇਅਰਸ 2.5-3 ਇਅਰਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਵੈਨਐਵਰ ਯੂ ਸਟਾਰਟ
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, the process is going to be the same, the time is going to be the same. The only benefit for NRIs is that we have special courts for NRIs. DROs the court hai jithe taqseem da case lagda hai. So if you are an NRI and we file a case on your behalf in a DRO court, so between 6 to 8 months, maximum 1 year, they have to decide the case. Ji. सो बड़ा इंट्रस्टिंग आ जिहड़ा तुसीं टाइमलाइन दित्ती। आई थिंक इस नूं असीं थोड़ा डॉक्यूमेंट लेटर ऑन अपने डिस्कशनस दे विच वी करांगे कि जदों भी कोई ये सवाल पुछे नैचुरली साडी टीम नूं ये थोड़े थ्रू गाइडलाइन जिहड़ी रहे। सो मनीषा जी थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी इनफॉर्मेटिव। इस नूं आपां नैक्सट वीक भी जारी रखांगे क्योंकि एक दो सवाल होर भी जिहड़े आए आ, सो आए हुण वी हैव जस्ट रन आउट ऑफ टाइम ते आपां इहनूं डिस्कस करदे जावांगे क्योंकि आम तौर दे उत्ते इस टॉपिक ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक आपां कह सकदे हां ते इस दे विच जिहड़ी जानकारी आपां खुल के थोड़ी होर दवांगे कि थोड़ी टीम जिहड़ी है वो इस नूं किदां स्मूथ जिहड़ा बना सकदी आ ते नैचुरली उस दे विच की थानूं चाहीदा हुंदा फ्रॉम दिस एंड। तुसीं दस्या नैचुरली कि जिहड़ा एफीडेविट ते वो तां तुसीं जिहड़ी हाई कमीशन दे मोहरे जाके जिहड़ी करनी है, लेकिन जदों इस तरह के नॉर्मल केसिस नहीं होंदे जिथे कि ब्रदर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड या अपने फैमिली मैंबरस या ते एक सवाल जिहड़ा मैं नैक्सट वीक नैचुरली पुछना चाहवांगा कि ये जिहड़ा इत्थे काफ़ी बार डिस्कस होया कि जिहड़ी जमीन है वो की तुसीं इत्थे दे बॉर्न बच्चे दे नाम ला सकते हैं क्योंकि इस दे उत्ते काफ़ी इनफॉर्मेशन जिहड़ी या मिस गाइडेंस भी आ रही है। सो असीं तुहाडे तों ये सवाल डेफिनेटली नैक्सट वीक जिहड़ा पुछांगे कि जमीन जिहड़ी है वो इत्थे जम्मे बच्चे जिहड़े ने एन आर आईस दे ते जिन्हां दे कोल ना पैन कार्ड है ना अपने जिहड़े OCI कार्ड है ते इत्थे दा न्यूजीलैंड दा पासपोर्ट है कि उन्हां दे ना जमीन लग सकदी है। सो ये आपां नैक्सट वीक टॉपिक भी नाल जिहड़ा डिस्कस करांगे। सो खीर दे विच तुसीं कोई होर इनफॉर्मेशन देना चाहुंदे हो? Yes, Nafej ji, like I always say, anybody jinnan nu free legal advice chahidi hai apne kisi bhi masle layi India related, matrimonial, zameen, property, taxation, real estate, documentation, please sanu contact karo. Sada number is +64 9889 0989. We have local representatives in Auckland. अगर कोई बड़े बुजुर्ग ने जिहड़े ट्रैवल नहीं कर सकते उन्होंने चाहिए कि कोई कार आके उन्हां दी गल सुने एंड दे कैन दैट टीम पर्सन कैन गेट यू कनेक्टेड विद आर टीम इन इंडिया। सो प्लीज कॉन्टैक्ट अस, वी आर लीगल हेल्प NRI, ऑल्सो नोन एज NRI लॉ एक्सपर्ट्स। आई विल रिपीट द नंबर अगेन, 9889 0989। थैंक यू वेरी मच मनीषा महाजन जी जिन्होंने सानू इनफॉर्मेशन दी।